हे गाइस, वेलकम बैक। और ये रात का समय है फ्रेंड्स, करीब 9 बज चुके हैं और मैं दाल चावल को ऑलरेडी भिगो के रखी थी। ये इडली बनाने के लिए है, तो एक दिन पहले ही सारा कुछ तैयारी करना पड़ता है। तो कोई भी 3 कटोरी चावल जो है ना, आप ले सकते हो। 1 कटोरी उड़द दाल होता है, सफ़ेद उड़द दाल, उसको लिया है। साथ ही साथ मैंने 1 छोटे चम्मच के करीब मेथी दाना, आप देख सकते हो, इसमें डला है। और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने क्या किया था, 4 से 5 घंटा अच्छे से पानी में फुला दिया था। दोपहर में ही मैंने ये सारा कुछ काम करके रख दिया था, बस रात में मैं इसको पीस रही हूँ। तो ये सारा कुछ जो मेथी दाना है, उड़द दाल है, चावल है ना, अच्छे से फूल चुके हैं। बस इसको अच्छे से बिल्कुल पीसूँगी। तो 2 बैच में करीब आधा आधा करके मैं पीस लेती हूँ। जितना अच्छा आप उसको पीसोगे ना, उतना लाइट एंड सॉफ्ट आपकी इडली वगैरह बनेगी। तो ज़्यादा भी मैंने पानी नहीं ऐड करूँगी, अभी थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लूँगी। अगर डोसा बनाना होता है ना, तो थोड़ा सा पतला भी रखेंगे तो चलेगा, बट इडली के लिए थोड़ा सा थिक रहता है। तो बस इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लूँगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, दोबारा से इसको अच्छे से पीस लेते हैं। क्योंकि बिल्कुल भी आप ड्राई डालोगे ना, भले वो सोक किया हुआ है, बट उतनी अच्छे से पिसता नहीं, तो हल्का सा पानी तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, और इस तरह से जो है ना, बैटर तैयार करके रख दूँगी। तो ये बैटर को फर्मेंट होने देंगे कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए। वैसे तो अभी गर्मी है, तो ये अच्छा खासा फर्मेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसका नाश्ता और साथ ही साथ लंच भी बनाने वाली हूँ। जैसे कि ये जो बैटर है ना, मैंने सारा कुछ पीस के रख लिया है और इसको ढक कर गर्म जगह पे रख दूंगी। डिनर करने के बाद ही मैंने सोचा ये काम निपटा लूँ। अच्छा खासा मैंने दोपहर में ही फुला के रख दिया था, तो थोड़ा सा ये थिक लग रहा था, मैंने हल्का सा पानी ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक कर रखूँगी कोई भी गर्म प्लेस में, या अभी जैसे समर है तो ये फूल जाता है अच्छा खासा। तो नेक्स्ट डे मैं इसकी तैयारी करने वाली हूँ, जैसे कि इसका अप्पे बनाने वाली हूँ, और लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ इसका इडली। तो इसको मैंने रख दिया था रात में, ये नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे का टाइम है, सुबह सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं आई हूँ किचन में और मैंने बनाई है चाय, अच्छे से बॉयल आ चुका है। बस इसमें डाल दूँगी अदरक और थोड़ी देर और कुक किया है, बस इसको छान लेते हैं। तो पापा को अभी मैं दे दूँगी, बाकी मैं अपना रख दूँगी, मैं तो बाद में पीती हूँ। तो ये बन गई थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाय है तो मैंने एक और कप में इसको छान लिया है। और फिर चेक कर लेंगे कि अच्छा खासा वो फर्मेंट हुआ है कि नहीं। वैसे ओवरनाइट है और गर्मी का टाइम है, थोड़ा सा ठंडी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, गर्मी में तो बहुत अच्छा खासा बनता है, ये फ्लफ़ी होता है एकदम। तो देख सकते हैं अच्छा खासा ये फूल चुका है। तो अभी नाश्ता बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो सुबह का जो सारा काम है ना, वो मैंने कर लिया था, डस्टिंग मॉपिंग सारा कुछ क्लीनिंग का। और ये मैंने थोड़ा सा जो बैटर है निकाला है एक बोल में, इसका मैं बनाने वाली हूँ अप्पे। जैसे कि ये बैटर बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, आप इससे डोसा बना सकते हैं, इडली है, अप्पे है, बहुत सारी चीज़ें, उत्तपम भी। तो इसमें मैंने जो है ना, बड़े वाले कंटेनर में जो है इसको तो इडली बनाऊंगी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा सोडा। सोडा अगर ऐड करते हैं तो ये बहुत अच्छा लाइट एंड फ्लफ़ी होगा। तो इसका जो बड़ा कंटेनर में जो बैटर है, इसको मैं इडली बनाने के लिए रख दूंगी। पहले से ही नमक, हल्का सा सोडा ऐड कर दिया, मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने हल्का सा इसमें बिल्कुल पानी ऐड किया, क्योंकि इडली का बैटर थोड़ा सा लाइट फ्लफ़ी और थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। तो बस इसको एक तरफ रख दूंगी, क्योंकि इडली दोपहर में, लंच में बनेगा इडली, तो इसको रख देती हूँ। और अप्पे के लिए मैंने छोटे जो बोल में ना निकाल लिया है थोड़ा सा बैटर, उसका पहले तैयारी कर लेती हूँ। तो आज हेल्दी सा ब्रेकफास्ट होने वाला है। और वैसे सूजी के भी अप्पे बनते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आज दाल चावल के मैं बनाने वाली हूँ। तो अप्पे के लिए भी जो बनता है ना, थोड़ा सा बैटर हल्का पतला रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बीच का रहता है। तो इसमें मैंने हल्का सा पानी ऐड किया है, और ये वाइट बोल है तो आपको बैटर भी दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड्स। तो मैंने इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है, और इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा इसमें ऐड कर लेंगे, ताकि और भी ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। तो इस बैटर में भी मैंने नमक और सोडा ऐड किया खाने वाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसमें सोडा ऐड करते हैं ना, ये और ज़्यादा डबल इन साइज़ हो जाता है, बिल्कुल लाइट हो जाता है। तो ये बोल में आप देख सकते हो अट नहीं रहा था बिल्कुल, ये पूरा ऊपर तक आ चुका था। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बड़े से बोल में। तो मैंने थोड़ा सा ही बैटर लिया है, ताकि मेरा, रोशनी का और पापा के लिए जो है ना, नाश्ता के लिए बन जाएगा अप्पे। तो ये मैंने बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि तो अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ कुछ वेजिटेबल्स। तो इसके लिए मैंने चॉप कर लिया था, धनिया पत्ता है, साथ में प्याज है और हरी मिर्च, काफ़ी सारा मैंने बारीक चॉप किया है, उसे ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो टमाटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हरी और लाल दोनों ही मिर्च थी, सारा कुछ मैंने चॉप करके डाला है। और बस इसको चाहे तो आप ग्रेट करके गाजर भी ऐड कर सकते हैं। और ये अप्पे पैन है, ये एक्चुअली आयरन वाला है, और ये मेरी मदर इन लॉ का अप्पे पैन है।
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। जो नॉन स्टिक है ना उसमें कई बार बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और थोड़े से पतले भी रहते हैं, इसमें अच्छे बनते हैं। तो बस मैंने बैटर को पोर कर दिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, और जैसे ही एक तरफ से होता है ना ढकने के बाद, मैंने इसको दूसरी तरफ से फ्लिप कर दिया और इसी तरह से सारे अप्पे जो है ना अच्छा सा कलर आने तक पका लूँगी। आपको हल्का पका हुआ अच्छा लगता है जैसे कि सॉफ्ट वाले, तो सॉफ्ट बना सकते हैं। थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा सा अच्छे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पका सकते हैं। तो इसी तरह से सारा कुछ जो है ना मैं पका के रख दूंगी, और मैं तो बाद में खाने वाली हूँ, बट हाँ एक ही साथ सारा कुछ कर लूँगी। मेरा अलग से नहीं है कि मुझे गर्मा गर्म ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गर्म तो वैसे भी ओवन में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और अप्पे ठंडे भी अच्छे लगते हैं तो चल जाएगा। इसीलिए मैंने जो भी बैटर का है ना पूरा यूज़ कर डाला था, और सारा कुछ मैं बना लूँगी। इसके बाद जो कोकोनट चटनी बनाने वाली हूँ, कल पापा गए थे मंदिर और वहाँ पर नारियल वगैरह चढ़ाए थे, मिठाई चढ़ाए थे, तो वही नारियल मैंने सोचा कि चलो इडली वगैरह बनाने के काम आ जाएगा। घर पर अगर नारियल रहता है ना तो आप फटाफट से साउथ इंडियन डिशेज बना लेते, क्योंकि नारियल की चटनी भी अच्छी लगती, काफ़ी अच्छी। और वैसे तो टमाटर की चटनी भी आप बना सकते हो, बट नारियल की चटनी का भी स्वाद अलग ही होता है। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने नारियल को छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, फ्रेश कोकोनट है बिल्कुल, और इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब इसमें जो चटनी दाल होता है ना, रोस्टेड जो चना दाल होता है जो अक्सर चटनी में डलता है, वो मैंने ऐड किया है। और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला है भुना हुआ छिलका निकाला हुआ मूँगफली। थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं करी पत्ता, तो ये मेरे पास बिल्कुल छोटे छोटे वाले करी पत्ता थे तो वही मैंने डाल दिए हैं फ्रेंड्स। और इसमें थोड़ा सा भिगोया हुआ इमली ऐड किया है और 4 से 5 हरी मिर्च। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, बाद में और पानी लगेगा तो ऐड कर दूंगी। हल्का सा नमक ऐड कर लेते हैं और इसको मैं पीस लूंगी, बिल्कुल फाइन सी चटनी बना लूंगी पेस्ट जैसा। तो बस इसको पीस लेते हैं और इसके बाद इसमें लगा दूंगी तड़का। तो बस ये कोकोनट वाली चटनी बन चुकी है, इसको थोड़ा सा तड़का लगा देंगे। इसमें थोड़ा सा करी पत्ता जब ऐड करते हैं ना तो अच्छा सा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसमें हल्का सा धनिया पत्ता ऐड करके भी पीस सकते हैं, या थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, आज मैंने नहीं डाला है। और इसके बाद जो है ना मैंने तड़का लगा दिया था थोड़े से तेल में, करी पत्ता सरसों और लाल मिर्च है ना उसको हल्का सा पका लिया था, इसके ऊपर डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो चटनी मैंने बना ली है और ये तैयार है, और रोशनी भी नहा के आ गई है, तो उसके लिए पापा के लिए मैं निकाल दूंगी। मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि मुझे अभी नहाने जाना होगा, फिर पूजा पाठ करना होता है, तब उसके बाद ही मैं अपना नाश्ता वगैरह लेती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है, मेरे घर में साउथ इंडियन डिश ना सभी को पसंद है, मोनी को भी पसंद है, मेरी बड़ी बेटी को, पूरे परिवार को ही पसंद है। तो बस ये तैयार है चटनी और ये है अप्पे, बहुत ही अच्छे बिल्कुल सॉफ्ट बने थे, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो बस इसको ना मैं तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली कुक हो चुका है। तो अब मैं निकाल देती हूँ नाश्ता, इन सबको नाश्ता दूंगी, और जो भी नाश्ता के जो बर्तन है, चाय के बर्तन है, वो सारा कुछ मैं क्लीन करूँगी, फिर जाऊँगी नहाने के लिए, और इसके बाद करने वाली हूँ अपनी पूजा, और पूजा के बाद ही होगा मेरा नाश्ता। तो बस रोशनी को मैंने दे दिया था फ्रेंड्स, और पापा को भी, इसके बाद मैं नहा कर आई थी और कर रही हूँ अपनी पूजा, और पूजा वगैरह थोड़ी देर में मेरी हो चुकी थी। और अपनी चाय वगैरह ना मैं गरम कर लूँगी, और अप्पे तो वैसे भी ठंडा चल जाएगा, मैंने कैसरोल में रख दिया था जो एक्स्ट्रा जो अप्पे है ना, तो उसी को मैं खा लूँगी। तो बस पूजा करने के बाद मैं चलती हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस नाश्ता वगैरह मेरा हुआ है और ये करीब 11:30 बज चुके हैं, सभी टाइम हो चुका है लंच बनाने का, और जो बैटर है ना उसी से मैं इडली बनाऊंगी। साथ ही साथ सबसे पहले जो है ना सांबर बना लेती हूँ, दाल को मैंने ऑलरेडी फुला के रख दिया था और कुकर में ही फटाफट से बनाने वाली हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, और साथ ही साथ बाद में इडली बना लूंगी क्योंकि चटनी ऑलरेडी बना रखा है तो काम जल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तुअर दाल है, इसको अरहर दाल भी बोलते हैं, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके 1/2 घंटे के लिए फुला के रख दिया था, और बस तड़का लगाऊंगी ये कुकर में ही, साथ ही साथ फटाफट से होने वाला है।
तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो बस कुकर में छौंकूंगी, थोड़ा सा तेल ऐड किया है और इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सरसों, और इसको क्रैकल होने देते हैं, हल्का सा हींग ऐड कर लेते हैं। और इसके पकने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा लहसुन, और साथ ही साथ इसमें ऐड किया करी पत्ता और बारीक कटा हुआ प्याज है। इसको अच्छे से गोल्डन होने देते हैं। जैसे ही ये गोल्डन होगा, जो भी आपके पास सब्ज़ी है जो आपको पसंद है ना, जो थोड़ा सा वक्त लेता है पकने में, उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें टमाटर डाला है एक, और एक छोटा जो है ना मैंने गाजर ऐड किया, तो गाजर को मैंने मोटे टुकड़े में ऐड किया है। कद्दू को भी थोड़े से बड़े पीसेस में ऐड किया है, क्योंकि कुकर में पका रहे हैं तो बिल्कुल घुल जाएगा। और जैसे भिंडी वगैरह अगर आपको डालना है ना, तो अलग से ही पका के आप इसमें डालिएगा, क्योंकि भिंडी तो बिल्कुल घुल जाएगी इसमें। तो बस इसको 2 मिनट मैंने अच्छे से सब्जी को पकाया है, और इसमें मिर्ची पाउडर ऐड किया है 2 चम्मच के करीब, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। नमक स्वाद के हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि जो सांभर है ना थोड़ी सी पतली ही बनती है, और इमली भी साथ में इसमें बाद में डलेगा, तो नमक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डल जाएगा, तो बैलेंस हो जाता है सारा कुछ। तो उस हिसाब से ही मैंने नमक डाला है अभी फ़िलहाल। इसमें पानी डालकर इन सब्जियों को अच्छे से कुक होने दूंगी, मीडियम फ्लेम पर ढक कर मैंने इसको पका लिया था। 4 to 5 मिनट्स ये अच्छे से कुक हो चुका है, मसाले भी जो कच्चापन है ना वो हट जाना चाहिए बस। और इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी ये सोख किया हुआ तुअर दाल या अरहर दाल कह लीजिए, इसको मैंने ऐड कर दिया है। और इसको मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि इसमें ड्रम स्टिक यानी जो सहजन मूंगा फली जो है ना वो भी डलता है, तो उसको भी अलग से बॉईल करके डालेंगे तो ही ठीक रहता है, वरना इसमें घुल जाएगा। तो गाजर तो बिल्कुल साबुत रहेगा इसमें, और जैसे लौकी वगैरह भी पड़ता है, आप जो चाहे इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसमें मैंने 2 ग्लास भर के पानी ऐड किया था, और इसका लिड लगा दूंगी, और इसको मीडियम फ्लेम पर 4 to 5 विसल आने तक कुक करूंगी। तो इसमें विसल लग चुका था फ्रेंड्स, और अब इसको जैसे ही स्टीम निकलेगा मैं इसको चेक कर लूँगी, तो अच्छा खासा ये जो है ना दाल पक चुका है, बिल्कुल घुल चुका है। थोड़ा सा अगर नहीं घुला है तो मैश कर लीजिए इस तरह से, तो मैंने हल्का सा मैश किया, वैसे अच्छा खासा जो दाल है ना वो पक चुका था, क्योंकि अगर आप सोक करके रखते हो पकाते हो तो दाल अच्छे से घुल जाती है। तो बस इसको मैंने दोबारा से गैस पर रख दिया है पकाने के लिए, क्योंकि अब मैं इसमें डालने वाली हूँ इमली। तो सब्जियों के साथ जब मैं पका रही थी तो एक ही टमाटर मैंने यूज़ किया था, क्योंकि इमली का यूज़ करते हैं ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है सांभर, तो इसीलिए अगर आपको इमली नहीं डालना है तो टमाटर ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, बट इमली का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का सा खट्टापन आता है ना जो इसका टेस्ट बढ़ाता है। इसके बाद इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मैंने ऐड किया है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था तो नमक बिल्कुल सही था। थोड़ा देर ये बॉईल होगा फ्रेंड्स, फिर सांभर बनकर तैयार हो जाता है। जब तक इसमें एक उबाल आता है तब तक जो है ना इडली का मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो बस ये बैटर और भी अच्छा खासा फूल चुका था, क्योंकि इसमें मैंने नमक और सोडा ऐड करके रख दिया था, तो इसमें भी बॉयल आ चुका है। इसको ढककर रख देती हूँ, सांभर बनकर तैयार है। स्टीमर मैंने सेटअप कर दिया है पानी वगैरह डाल के, और बस मैंने जो मोल्ड है ना इडली मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लिया था, बस इसमें डाल दूँगी बैटर, और 1 by 1 इसके प्लेट्स को लगा देती हूँ। और जिस दिन ये बैटर बनता है ना, तो डोसा या अप्पे हुआ, कभी उत्तपम, इडली, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें बन भी जाती है। तो बस मैंने इसी तरह से जो है ना इडली को मैंने चढ़ा दिया था स्टीमर में, मीडियम फ्लेम पर रखा है मैंने, और कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं, बन जाता है ये फटाफट से। और सांभर को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, और आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं इडली को थोड़ा सा टूथपिक या नाइफ़ से, तो वैसे बनाते बनाते हैबिट हो जाता है, हमें खुद ही पता चल जाता है थोड़ा सा छूने से ही, ये बिल्कुल हाथ में नहीं चिपकता है। तो ऑलमोस्ट ये डन है इडली, तो 12 मिनट करीब, 12 से 15 मिनट भी लग सकता है फ्रेंड्स। तो ये बनकर तैयार है, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और इसी तरह से ना बाकी का जो बैटर है उसका भी मैं इडली बना के रख दूँगी।
तो सारा बैटर का बन चुका है। इसको थोड़ा सा प्लेट ठंडा होने देती हूँ और फिर इडली निकाल लूँगी। तो इडली जब सॉफ्ट बनते हैं ना तो खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है और हेवी नहीं होता है, और ख़ास करके जब आप सांभर में डिप करते हो ना तो वो सोख भी लेता है। तो बिल्कुल स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार है फ्रेंड्स। ये ठंडा हो चुका था, मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बिल्कुल जालीदार स्पॉन्जी सॉफ्ट इडली बनकर तैयार है। तो बिल्कुल जालीदार बना है हल्की इडली, और जब हल्की बनती है तो ही टेस्टी लगता है। तो प्रॉपर मेजरमेंट से बनाते हैं तो इडली अच्छी ही बनती है। और बस अब लंच का जो है ना मैं सर्व कर दूंगी। तो ये बनकर तैयार है, चटनी ऑलरेडी बन चुकी थी तो ये दोनों चीज़ भी तैयार है फ्रेंड्स। और अब कर देती हूँ सर्व। तो आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ, जैसे कि स्पेशली ये संडे के दिन ज़रूर बनता था जब मेरी बेटी थी, सास भी थी। तो अभी तो कभी कभार जब मन होता ना तो बना लेती हूँ, नहीं तो एवरी संडे तो ये कंपलसरी था, कुछ ना कुछ साउथ इंडियन डिशेस, जैसे कि जो है ना कभी डोसा तो कभी इडली, इस तरह की चीज़ें बन जाती थी। तो अभी मेरा जब मन होता है कोई भी डे में मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं पापा के लिए सर्व कर देती हूँ। ऊपर से जो है ना सांभर इडली में डाल दिया है, कोकोनट चटनी है, और मैं आपको इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ। ये अच्छा खासा बिल्कुल है ना सूख लेगा सांभर, तो बेस्ट इडली बनी है आई वुड से। तो बस मैं पापा को दे देती हूँ, और पापा को इसी तरह से बोल में डाल के पसंद है क्योंकि काफ़ी हद तक वो मैश करके खाते हैं, और रोशनी को भी बोल में डालकर ही पसंद है। बट मुझे ना अलग से सांभर, अलग से चटनी और तोड़ के जैसे कि खाना इडली पसंद आता है, बिल्कुल अलग प्लेट में सारा कुछ होना। तो बस रोशनी को मैंने दे दिया है, और लगेगा तो वो ले लेती है खुद से ही। और इसके बाद जो है ना मैं तैयारी करती हूँ। ये एक्चुअली काजू कतली है फ्रेंड्स, कल पापा लेके आए थे, मंदिर में भी चढ़ाया था उन्होंने, तो अभी तो खाने का मन नहीं है, इसको मैं रख देती हूँ। और इसके बाद जो भी बर्तन है ना, लंच वगैरह सबका हो चुका था, मैंने नहीं खाया, मुझे मन नहीं था, रोशनी ने थोड़ा सा छोड़ा था बस उसी को मैंने खा लिया था। और ये बर्तन वगैरह ना सारा कुछ मैं क्लीन करके रखूँगी, और जो किचन का है ना गैस स्टोव वगैरह भी सारा कुछ अभी क्लीन करने वाली हूँ। जो भी खाना बनता है उसके बाद मैं तुरंत क्लीन करके रख देती हूँ। बर्तन को भी ज़्यादा अगर रख दो तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस इसी तरह से सारा कुछ, ये जो पानी है ना सारा कुछ रिमूव कर देती हूँ, और कर लूँगी अभी सफाई गैस स्टोव का भी। तो कुक टॉप जो है ना गैस स्टोव वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा स्पॉन्ज में लिक्विड जो डिश वॉश होता है ना उसी को मैंने लगा दिया था, फिर उसके बाद साफ़ कपड़े से पोंछ दिया था थोड़ा सा ड्राई वाला, और इसके बाद बिल्कुल गीला करके मैंने पोंछा था। लास्ट में मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, इससे अच्छा जो ग्लास टॉप है ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और बस अगल बगल का जो स्लैब है ना सारा कुछ मैंने क्लीन अप कर लिया था। और जब आप टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं या तो कोई भी पेपर का ना, तो ग्लास की चीज़ें बिल्कुल अच्छे से चमक जाती है। तो ये मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है सारा कुछ। और कुछ भी मैं बनाती हूँ तो अक्सर जो भी छींटे वगैरह पड़ते हैं ना तो क्लीन कर लो तो हमेशा प्रॉपर मेंटेन रहता है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ आज मिल्क शेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 बनाना। और शाम का वक्त था, मुझे कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, और मैंने इडली वगैरह नहीं खाई थी इसीलिए मैंने 2 बनाना को ऐड किया है। ये लास्ट 2 ही बनाना एक्चुअली बचे थे, इसमें थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, काजू और साथ में बादाम, और इसमें 4 से 5 मैंने डेट्स ऐड किए थे, और थोड़ा सा हनी ऐड किया है। वैसे भी डेट्स थोड़े से मीठे होते हैं, साथ ही साथ बनाना भी मीठा होता है, बट थोड़ा सा मैंने हनी डाला है, नेचुरल स्वीटनर है सारा ही कुछ। और इसमें आइस ऐड कर दीजिए अपने हिसाब से जितना चिल पीना है। तो इसमें सारी ही हेल्दी चीज़ें पड़ी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, साथ में बनाना है, हनी है, डेट्स है और केला वगैरह, सब कुछ जो नेचुरल स्वीटनर का काम करेगा, दूध है। तो बस इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है, इसको निकाल लेती हूँ ग्लास में, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए और ठंडा ठंडा पीजिए। ये समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो ये बनकर तैयार है फ्रेंड्स,
एंजॉय कीजिए इस समर, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक। तो बस मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, रोशनी अपना कार्टून देख रही है। अभी छुट्टी का टाइम है तो पढ़ाई करने के समय पढ़ाई भी कर लेती है, तो ज़्यादा कुछ मुझे टेंशन नहीं है। बट हाँ, अभी 10th में है तो बीच में वो अपनी पढ़ाई का काम भी सारा कुछ कर लेती है। और इसके बाद मैंने एंजॉय किया, थोड़ा सा मैंने रोशनी को भी टेस्ट कराया था। वैसे उसका पेट स्टमक भरा हुआ था क्योंकि ये दोनों ही अभी खा चुके थे थोड़ी देर पहले ही, जो है ना इडली वगैरह, और इडली काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होती है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।